हेलो दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज बनाएंगे सेज़वान मशरूम चिली। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टेस्टी सेज़वान मशरूम चिली हम कैसे बनाते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हम लेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मैदा, थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और फिर डालेंगे हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और फिर सारे को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। हमें स्मूथ बैटर बनाना है तो पानी ध्यान से ऐड करें। बहुत अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कटा धुला और कटा हुआ मशरूम, और इसको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे। अब हमें इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई। एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। सारे मशरूम को हम एक एक करके डालेंगे, हमें डीप फ्राई करना है, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। गैस का फ्लेम हम मीडियम लो पे रखेंगे। मीडियम लो पे रखेंगे तो हमारा जो मशरूम है वो क्रिस्पी बनेगा, और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। हमारा मशरूम गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम सेज़वान मशरूम चिली का मसाला तैयार करेंगे। पैन को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटे चम्मच चॉप्ड गार्लिक, लहसुन डालेंगे, 1 से 2 डालेंगे हरी मिर्च चॉप किए हुए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्प्रिंग ऑनियन, फिर इसको सौते करेंगे 1 मिनट के लिए। सौते करते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम लो पे कर देंगे। सौते हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ के प्याज, और फिर इसमें ऐड करेंगे येलो कैप्सिकम हाफ, रेड कैप्सिकम हाफ। हम इसको स्क्वायर शेप में कट करेंगे ऑनियन को और कैप्सिकम्स को, और इसको फिर हम 3 से 4 मिनट के लिए हम सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर। सौते हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1.5 बड़े चम्मच सेज़वान सॉस, 1.5 बड़े चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, 1 बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें विनेगर, 1 छोटे चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटे चम्मच हम डालेंगे ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, 1 छोटे चम्मच हम डालेंगे जिंजर पाउडर, और इसको फिर हम कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए मसाला कुक हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर की स्लरी। स्लरी हम कॉर्नफ्लोर और वाटर को मिलाकर बनाएंगे। स्लरी ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। ये अच्छे से पक गया है, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम लो पे करेंगे, और उसके बाद फ्राइड मशरूम को ऐड करेंगे, और फ्राइड मशरूम ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाते हुए 1 मिनट तक और पकाएंगे। सेज़वान मशरूम चिली अब एकदम रेडी है। गैस हम बंद कर देंगे, फिर हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ हरा धनिया। तो ये बताइए किन किन लोगों ने सेज़वान मशरूम चिली ट्राई किया है। क्रिस्पी एंड सुपर टेस्टी सेज़वान मशरूम चिली बनकर रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। का फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ऐसी ही टेस्टी, ईजी एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।